assalamu alaikum dear students this lecture is for 10th class students my dear students we are studying a chapter acids bases and salts and we were discussing the theories about acids and bases we already have discussed two theories one is arrhenius concept and another is bronsted lowry concept now today we will study a third third theory third concept regarding acids and bases to explain acids and bases

दैट इज व इट इज कल्ड ले कंसेप्ट दैट इज व इट इज कल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आप आगे देखोगे कौन देगा कौन पकड़ेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बात है यहाँ पे एच पॉजिटिव पकड़ने की बात नहीं है ओ एच निगेटिव फर्निश करने की बात नहीं है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है तो इट इज ऑल्सो कल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड माई डियर स्टूडेंट लेविस कंसेप्ट वॉज गिवन इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बाई जी एन लेविस जी एन लेविस क्या वो गुलाम नबी लेविस हैं नहीं ये जी लेविस है एक एक साइंटिस्ट था समझ आ रहा है गोबर मोहन तो लेविस कंसेप्ट वॉज गिवन इन 1923 बाय जी लेविस नाउ अकॉर्डिंग टू लेविस व्हाट इज एसिड मोहन गोबर इधर देखिए एसिड जो है ना मोहन गोबर अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड वो सबस्टेंस है जो एक्सेप्ट करेगा प्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो जिगर में मैंने क्या कहा एसिड वो सबस्टेंस ये मॉलिक्यूल हो सकता है या आयान हो सकता है म्यून गुबर जो एक्सेप्ट करेगा जो एक्सेप्ट करेगा पियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन पियर जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहते हैं एसिड उसको हम कहते हैं एसिड एक एग्जाम्पल इधर देखिए इट इज बी एफ थ्री बोरान ट्राइफ्लोराइड इसको बोलते हैं अगर इस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर त्राओ आ जो त्रे बोरान का एटॉमिक नंबर है फाइव पहले में दो दूसरे में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं फ्लोरीन तीन है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है सेवन नाइन टू एंड सेवन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखने सात दो, दो चार दो छ दो दो चार दो छः और एक साथ दो दो चार दो छः और एक साथ। तो म्य गोबर ये जो बोरान आप देखो बोरान को अभी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है अभी दो इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है फ्लोरीन स्टेबल है ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी स्टेबल है ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी स्टेबल है और ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी स्टेबल है एक्चुअली इट इज बी सिंगल बॉन्ड एफ ऐसे आप लिखो बी सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड बॉन्ड एफ सिंगल लेकिन जब आपने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बी एफ थ्री का देखा इस बी एफ थ्री सिर्फ दो 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 चार दो छे, सिर्फ छ इलेक्ट्रॉन है इसको और कितनी जरूरत है इसको दो फ्लोरिन स्टेबल है देखिए सात और इसने एक शेयर के सिंगल बॉन्ड बना के आठ आ गए इसके भी आठ इसके भी आठ लेकिन बोरान के सिर्फ छे है इसको और कितनी जरूरत है दो इलेक्ट्रॉन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरान बी एफ थ्री इज लेविस एसिड बी एफ थ्री को हम कहेंगे लेविस एसिड क्या कहेंगे जिगर बिकॉज़ इट हैज नीड ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ये राइट इज इलेक्ट्रॉन हां मेरे जान ये दो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा दैट इज वैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्डिस एसड यहक्ट्रॉ सिंपल है ए एल सी एल थ्री इथ एल सी एल थ्री इसी तरह ए एल सी एल थ्री है दीज आर लेविस एसडस बी एफ थ्री ए एल सी एल आर लेविस एसडस तो समझ आया व्हाट आर लेविस एसडस आर दो सबस्टेंसिस विच एन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बात करेंगे लेविस बेस की लेविस बेस की लेविस बेस में एन एच थ्री की बात करेंगे अब लेविस बेस क्या करता है लेविस बेस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो और तीन यह हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक एन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच और लोन पेयर रहा यहां पे जो ये लोन पेयर है इट इज इजी फॉर डोनेशन हाँ तो ये लोन पेयर देता है तो मैं उनको ये एक्ट करता है लेविस बेस तो वाटर भी एक्ट करेगा लेविस बेस बिकॉज उसमें भी लोन पेयर्स है समझ एन एच थ्री अमोनिया ये लेविस बेस है आपको समझ ये कैसे देगा तो, तो क्या हो समझ लेविस एसिड और लेविस बेस में आपको क्या समझ आया लेविस एसिड और लेविस बेस में हमें सिर्फ ये समझ आया लेविस एसिड इज अबस्टन्स विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड लेविस बेस इज अबस्टेन्स विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तेल क्या बेस क्या गई इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर और एसिड क्या को इनच वन एसड आ लविस कनसेप्ट उसको लिविस एसड बोलते हैं बेस को बोलते हैं लिविस बेस जिगर मोद समझ आया वे हम पॉइंट अथ चीज बनान तथा अडिनेट बॉन्ड क्या चनाना यह कथ पट दिन एच थना एन एच थरीस क्या कहीं यथन हम हाँ बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाउ याद चाऊ जब बेस देता है ना जब लेविस बेस देते हैं दो इलेक्ट्रॉन किसको लेविस एसिड को एट दैट टाइम कोऑर्डिनेट बांड बनता है एमपत कुछ बी एफ थ्री प्लस देगा कौन बेस पकड़ेगा कौन एसड बिकॉज बी एफ थ्री लविस एसड है एन एच थ्री भी ये कब देगा ये इसको ऐसे देता है मगर मोन दो ये जलेक्ट्रॉन दिन अब बने ना बॉन्ड हाँ यहां पे बॉन्ड बनेगा यहां पे बॉन्ड बनेगा देखो कौन सा एन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच यहां पे बनेगा कॉर्डिनेट बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड एफ ये एरो मंजस थ्रो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब अमोनिया ने जब दो इलेक्ट्रॉन दिए किसको को बी एफ थ्री को ये कैसे दिए इसने ये भी एक किस्म है ये आज हाँ सिंगल बॉन्ड को ये को कॉलन बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्डस क्या फंक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बॉन्डिंग ही है कोलन बॉन्ड मगर यहां पे सिर्फ देता एक ही है इन विच इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ओनली वन एलिमेंट बट शेयर्ड बिटवीन टू सब हो कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल शेयरिंग गसन यहां पे भी शेयरिंग होती है लेकिन देता एक ही है कोवलेंट बॉन्ड्स में जो अगर फॉर एग्जांपल H2 बनियो H को आक्यो बेगोस बे आख इलेक्ट्रॉन बनियो ने H सिंगल बॉन्ड H मगर कोऑर्डिनेट बॉन्डस में चुनि बन ये शेरिंग गसन दोन वनी दरमियान मगर दिवन चु अकय इलेक्ट्रॉन यहां पे बेस नहीं दिया अमोनिया नहीं दिया और पकड़ा किसने BF3 ने तो याद रखिए व्हेन लेविस एसिड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू तो लेविस बेस हाँ।

में करता हूं लेविस एसिड किसको कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं म्यून गोबर उस एसिड को सबस्टेंस को जिसको ए टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की जगह में समझ और बेस किसको कहते हैं विच कैन डोनेट है पियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लेविस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं थ्री में दिया था जी एन लेविस ने तो जिस तरह आपने बी एफ थ्री देखा इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो ये लेविस एसिड बिहेव करता है इसी तरह एन एच थ्री जो है जिसको बोलते हैं लेविस बेस बिकॉज म्यून गोबर ये इलेक्ट्रॉन दो दे सकता है कौन से दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं जिनको हम लोन पेयर्स कहते हैं दे आर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन बॉन्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है और म्यून गोबर अब बेस देगा इलेक्ट्रॉन और लेविस एसिड पकड़ेगा क्या मैंने कहा लेविस बेस है ना इलेक्ट्रॉन डोनर uh, और लेविस एसिड है प्रोटॉन डोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो बेस जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस एसिड को ये कैसे देगा ये देगा एक बॉन्ड के थ्रू जिसको बोलते हैं कॉर्डिनेट बॉन्ड जो मैंने यहाँ पे दिखाया अमोनिया ने ये दो इलेक्ट्रॉन दिए बी एफ थ्री को और यहाँ पे कॉर्डिनेट बॉन्ड बना में बहुत बार आया है लेविस लेविस बेस ने बॉन्ड बॉन्ड इज फ्रॉम ट बॉन्डिव बॉन्ड और वर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्डिट इज ऑल्सो कॉल्डि दिस वॉज ऑल अबाउट लेविस कंसेप्ट कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंग ऑफ एसडिस एसिड में भी कुछ डिफ प्रॉब्लम सॉरी मैं भूल गया था लेविस एसड एक्सप्लेन नहीं कर सकता एच सी एल एच टू एस ओ फोर कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते है, इस बेस पे और मोन ऑफ एसिड्स नहीं करता है एक्सप्लेन इट आल्सो रिलेटिव ऑफ ये रिलेट स्ट्रंग पढ़ा बहे रिलेटिव एसिड्स एंड बेसिस इसकी भी लिमिटेशंस है मतलब आर्नस कांसेप्ट इसने मानो ही, माना ही नहीं समझा इन मोन तो दिस वाज ऑल अबाउट लेविस कांसेप्ट अल्लाह हाफिज़